ब्रेक तो बाद खबरां सिलसिला एक बार फिर जारी है। यूक्रेन तो भारतीयों की लगातार घर वापसी दी कोशिशां जारी ने ते अज भारतीय विद्यार्थियों नूं लैके एक विशेष जहाज जड़ा है ओह देश परतेगा। दस दे कि रोमानिया पहुंचा है एयर इंडिया का जहाज ते तकरीबन 490 विद्यार्थियों नूं लैके ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 490 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। यूक्रेन तो भारतीयों की घर वापसी जड़ी होगी और विशेष जहाज जड़ा है आज भारतीय विद्यार्थियों को लेके देश परतेगा, जिसके विच एक फ्लाइट दिल्ली ते दूजी फ्लाइट मुंबई पहुंचेगी। रोमानिया एयर इंडिया का जहाज पहुंच चुका है जिथों की यह जहाज उड़ान भरेगा ते इन्हां विद्यार्थियों नूं सुरक्षित भारत वापस लेके आएगा। इस वेले पूरी तरह नाल चिंताजनक माहौल बनिया होया जिस नाल लगातार हमले यूक्रेन से रूस ने तेज कर दिए ने। अजिहे विचकार उत्थे फसे भारतीय विद्यार्थियों भी सुरक्षित बाहर कढ़न दी भारत वालों कोशिशां जारी ने। अजिही एक फ्लाइट जो कि उत्थों की उड़ान भरेगी तो इत्थे भारत लेके आएगी। दस दिए कि एक फ्लाइट दिल्ली ते एक मुंबई पहुंचेगी। जो यूक्रेन तो भारतीयों की एक घर वापसी होगी, तकरीबन 490 विद्यार्थियों को लेकर भारत परतेगा जहाज। रोमानिया ते हंगरी तो फ्लाइटां भारत लई उड़ान भरनगियां। की पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली मतलब सुबह सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जिस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं एमडी हाउस उनके कंसल्टेंट का थैंक यू। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस था उन लोगों ने करके दिया है।